इनका आदमी ऐसे नहीं रोता है। सुनो, आदमी नहीं रोता है, आदमी ऐसे नहीं रोता है। उरियम भाई, 3 बजे वो 3 तारीख के रात 2 बजे की घटना है। हम लोग 3 दोस्त थे, तो 3 कैंपस के थे और 2 बाहरी थे, और हम लोग ऐसे ही रात में कुछ फ्री थे तो हम लोग निकले टहलने के लिए। जब हम लोग DSW चौराहे पे पहुंचे तो वहां से किसी एक लड़की के रोने की आवाज़ आ रही थी, तो हम लोग सोचे कि कोई जानवर होगा, तो हम लोग उस बात पे ज़्यादा ध्यान नहीं दिए। उसके बाद जब हम लोग थोड़ा आगे बढ़े तो वहाँ पे कुछ कैंपस के ही लड़के वहाँ बैठे हुए थे, वो लोग हमें बुलाएं और कहें कि देखो वहाँ पे कोई हाथ दिखा रहा है। तो वहाँ पे कोई हाथ था जिसमें कोई लड़का हो या लड़की हो ट्यूबलाइट दिखा रहा था, जिसको देख करके पहले तो हम लोग डर करके बैकफुट हो गए। फिर जब हम लोग देखें कि कोई लड़की बहुत ज़ोर ज़ोर से रो रही है, तो हम क्या किए कि अंदर घुसने का प्रयास किए। जैसे ही हम प्रयास किए तब तक वहाँ पर गार्ड आ गया। गार्ड आया तो गार्ड से हम लोग बोले कि अंकल देखिए वहाँ पे कोई है, कोई आवाज़ दे रहा है। तो गार्ड पहले हम ही लोग को लगा रोकने, वहाँ पे एक बार भी देखने के बजाय हम लोग को तुरंत क्वेश्चन करने लगा कि तुम लोग कौन हो, वहाँ जो भी हो रहा है होने दो, जो भी रो रहा है रोने दो, तुमसे क्या मतलब है, भागो यहाँ से। तो हम लोग बोले हम लोग यहीं के छात्र हैं, हम लोग नहीं देखेंगे तो कौन देखेगा। इतना कहने के बावजूद भी गार्ड माना नहीं, हम लोग को लाठी दिखाने लगा और वहाँ से दौड़ करके पीछे रशेश्वर महादेव के मंदिर की तरफ चला गया, और वहाँ से पीछे पूरा राउंड लेते हुए उस जगह पर पहुँचा और वहाँ का पूरा लाइट बंद कर दिया। और लाइट बंद करने के बाद एक बड़े से गेट के बंद करने की आवाज़ आई, और उसके बाद से उस लड़की का आवाज़ भी बंद हो गया और ट्यूबलाइट गिर गया, और फिर वो सामने आया और पूरे बिल्डिंग के लाइट बंद करके चैनल बंद कर दिया। और लाइट बंद करने के बाद एक बड़े से गेट के बंद करने की आवाज़ आई, और उसके बाद से उस लड़की का आवाज़ भी बंद हो गया और ट्यूबलाइट गिर गया, और फिर वो सामने आया और पूरे बिल्डिंग के लाइट बंद करके चैनल बंद कर दिया। ये देखते ही हम लोग प्रॉक्टोरियल को फ़ोन कर चुके थे, प्रॉक्टोरियल के आने का इंतजार ना करते हुए हम लोग अंदर घुसे। अंदर घुसते ही गार्ड हम लोग को लगा रोकने, तब तक प्रॉक्टोरियल आए, ताला खुला। जब हम लोग वहाँ पर गए तो वहाँ एक छोटे हाथ के पंजे का निशान, फूटा ट्यूबलाइट, रस्सी और गुटखे के पैकेट, और जब पीछे पूरा देखा गया तो वहाँ पे पूरा घास में चलने का रास्ता, पूरा जंगल। सिक्योरिटी लड़का था जो कि छात्र तो एकदम नशे में धुत था, जो कि बार बार गार्ड के बात को सही करने का